बीजेपी माड़े काम बढ़िया बने हैं, सब कुछ खेती का मलन लाग रहा, और बाग लागन लाग रहे, बनिया सिफारिश लागन ला रहे। कांग्रेस ने उड़ाने के कर दिया, उड़ान दा लूट के खा लिया देश। बीजेपी ने सारा एक सौदा कर रखा जी, बिना पर्ची बिना खर्ची ला रखे हैं, किसी का को रुपया लेना नहीं, कुछ और नहीं, जो मेरिट बेस पर बालक लागन का है वो लागन लागे। हाँ जी, बहुत लागे काम में, बिना खर्चे बिना पर्ची। दो महाराज मारा है छोरे थानेदार लाग गए, उन्हें कहते जिंदगी में बिना सोचा होगा लाग जाएंगे। अच्छा, और काम कर रही है ये, देखो ये हमारा गाल बनी ही नहीं थी, क्यों करीब किस चीज भी कोई सी सरकार ने भी। अच्छा। ये हमारी गाल बना दी था, हम तो बीजेपी ने बनाओगे बीजेपी ने। के बार हम पूरा चैलेंज करते हैं, बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगी, और बड़ौदा में आजाद सिंह भाई को, सरपंच साहब को अगर जो टिकट मिलता है अदो हम इसको बहुत ज्यादा वोटों से जिताने की आश्वासन देते हैं। हमने जो लग गए है भाई, हमारे हल्के आजाद सरपंचाला सूरा साहब है, जब इसको टिकट मिल जाए हम पूरा जोर लगा कर इसने अपना मेला बना लेंगे अपने हल्के। कमल कौन खिला सके है भाई बड़ौदा में? ऊँ तो देख पार्टी के साथ हैं भाई, कोई भी आओ, बाकी आजाद है जाक्सी सरपंच हमारे, बढ़िया है उसका के है, उसकी थोड़ी पकड़ है बढ़िया। जो चुगुरदी गांव है ना, उसके सरपंच तकरीबन यार दोस्त हैं, बढ़िया उसका सर्कल सारे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं अनिल खत्री। इस समय बड़ौदा हल्के के श्यामड़ी गांव में हम मौजूद हैं। चुनावी माहौल बिल्कुल सरगर्मी या तेज है, क्योंकि 1 तारीख को वोट पड़ेंगे, और किस तरह का क्या माहौल आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बैठे हुए थे, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस पार्टी को या किसे इस बार ये सरकार में लेके आना चाहते हैं, और क्या कुछ इस बार चुनाव में मुद्दे रहेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी? संदीप नाम है जी। संदीप नाम है। हाँ जी। अच्छा, क्या माहौल है बड़ौदा हल्का की बात? बड़ौदा हल्का से जी बीजेपी का फुल माहौल है, अब की बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को आया है। पिछली बार से बहुत ज़्यादा बीजेपी पर लोग झुक चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है कांग्रेस सरकार दोगली सरकार है, यह इन्हें आज तक कभी भी नौकरी के मामले में बगैर पैसे नौकरी मिली नहीं। गरीब युवा थे जो आज अपने गांव में ऐसे घूम रहे हैं, जो पैसे वाले थे वो पैसे देकर नौकरी लग गए हैं, इस बात का हर एक युवा को पता लग गया है। हमारे जो यहाँ आम आदमी थे, इनको सबको पता लग गया है ये सरकार पर्ची खर्ची की सरकार है, बगैर पैसे इसमें किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो पैसे वाले को मिलेगी, गरीब को नौकरी नहीं मिलेगी। हमारी बीजेपी सरकार ने इसको देखते हुए इस सिस्टम को बंद कराया है, जो लागने लायक है, पढ़ा लिखा युवा है, जो पेपर पास करता है उसको नौकरी मिलती है। आज गरीब आदमी इतना खुश है बीजेपी सरकार से, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ तो भूपेंद्र हुड्डा का सर मानते हैं बड़ौदा में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा का कोई नहीं मान रही, सब झूठी अफवाहें हैं। अब की बार हम पूरा चैलेंज करते हैं, बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगी, और बड़ौदा में आजाद सिंह भाई को, सरपंच साहब को अगर जो टिकट मिलता है अदो हम इसको बहुत ज़्यादा वोटों से जिताने की आश्वासन देते हैं। कैसे आपको लगता है इस बार बीजेपी जीतेगी, क्योंकि अभी लोकसभा के ताज़ा जो चुनाव हुए हैं, सबसे बड़ी जीत बड़ौदा से हुई है कांग्रेस की? कोई बात नहीं, इसमें लोग पिछड़े हुए थे, बकाये में आए हुए थे, हम भी कांग्रेसी थे, हम बहुत पुराने कांग्रेसी थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी रहे हैं, हम इसको छोड़ के आएंगे। ये झूठी सरकार है, ये सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, किसानों के हित में भी इसने काम किया, जवानों के हित में भी काम किया है, मजदूर के हित में भी काम किया, देश के हित में भी काम किया। हाँ, तो क्या नाम है? राम फड़े। अच्छा, बताओ किसकी सरकार इस बार बनाना चाहते हो? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। क्यों बीजेपी क्यों बनाना चाहते हो? बीजेपी मारे काम बढ़िया बने हैं, सब कुछ खेती का मलन लाग रहा, और बाग लागन लाग रहे, बनिया सिफारिश लागन ला रहे। कांग्रेस ने उड़ाने के कर दिया, उड़ान दा लूट के खा लिया देश। बीजेपी तो किसान नाराज है? कोई नाराज नहीं, एक आधा होगा कोई बेवकूफ होगा जिसने दिमाग नहीं है, नहीं तो बीजेपी पिछारा दिन ही आया ना आगा ना आंदा है। अच्छा। हाँ, अच्छा, क्या लाग है फिर बीजेपी तो किसने टिकट मिलनी चाहिए? सरपंच को मिलना चाहिए, सरपंच को मिलना चाहिए। अच्छा। चलिए, और भी कुछ युवा है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? सोमवीर जी। सोमवीर? हाँ जी। अच्छा, बताओ क्या माहौल है, किसकी सरकार इस बार आप चाहते हैं? जी हम तो जी जानते हैं बीजेपी की चाहते हैं, और बहुत बढ़िया सरकार है। रही बात किसानों की, अब किसान नाराज हैं, कोई नाराज नहीं है, पेंशन किसानों की बना दी, सारी फसल अब MSP कर दी, और किसानों के
इतनी सब्सिडी मान ले सोलर है जो खेता में सोलर चलते हैं 80% सब्सिडी दे रही सरकार और इसके ऊपर और क्या होगा। तो ये फिर भी यहाँ कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत है? कोई नहीं, 5-7 आदमी थे मान ले, थोड़ा ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे युवा, ये सब समझन लग गए भाई सरकार है भाई बिना पर्ची था बिना खर्ची था नौकरी लाग रही भाई सारे युवा ने इकट्ठे कर रही। और रही बात ये सैनी साहब आ गए, सैनी साहब ने तो झड़िया लगा दी भाई काम आ गई भाई इतनी इतनी नीति चला दी इतना काम कर दिया बहुत बढ़िया काम कर रही है। और इस बरोदा में कमल कौन खिला सका है भाई? बरोदा में ऊँ तो देख पार्टी के साथ हैं भाई, कोई भी आओ, बाकी आज़ाद है जाक्सी सरपंच हमारे बढ़िया है, उसका के है उसकी थोड़ी पकड़ है बढ़िया, जो चुगुरदे गांव है ना उसके सरपंच तकरीबन यार दोस्त हैं, बढ़िया है उसका सर्कल सारे का, सारे गाँव मामक है परले गाँव में है। फिर हम तो नू चाहूँ भाई हमारे मंडल का है भाई उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है टिकट मिल जाए तो? एक तरफा, हाँ। क्या नाम भाई साहब? संदीप। अच्छा बताओ किसका क्या माहौल आपको लगता है? बीजेपी का माहौल है भाई। बीजेपी का? हाँ। क्यों बीजेपी को क्यों इतना चाह रहे हो? बना खर्ची बना फर्चिनों के दुआन ला रही है, काम बढ़िया करवा ला रही है। हाँ भाई। कांग्रेस ने नहीं दी नौकरी? ना, बीजेपी ने दी। बीजेपी ने दी। चलिए और भी कुछ लोग बैठे उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राम राम। क्या नाम बताओ? नाम सूरजमल है भाई। सूरजमल है। हाँ। अच्छा बताओ किसका क्या माहौल इस बार देखते हो? माहौल है भाई के बीजेपी का यहाँ एमएलए में। बीजेपी का? हाँ। तो बीजेपी का क्यों लग गए है? नो लग गए, एक तो 60 साल तो या गालट की पीढ़ी थी या बनन लग रही। अच्छा भाई संदीप के प्रयासों से। अच्छा। और भाई कटी जमा ठीक सरकार आ रही है, राशन पानी भी दे है, गरीब गरबेन भी दे है, अमीरान भी दे है। अच्छा। हाँ फर्क क्या है, नहीं है। कांग्रेस की किसी सरकार थी? कांग्रेस की इसी सरकार थी, सारे डीएनए और कितेगा है। अच्छा। हाँ और लगभग सारे गणकरे जमानत पे हैं। अच्छा। बताइए सक्के दारे में तो वह ही नहीं बना के कराए भाई। तो फिर आपने क्या लागा किसको? हमने जो लग गए है भाई कमारे हल्के आजाद सरपंचूरा साहब है, जब इसको टिकट मिल जाए हम पूरा जोर लगा कर इसने अपना मेला बना लेंगे अपने हल्के का। जी जी। क्या नाम है जी? शमशेर है भाई। शमशेर है। हाँ जी। अच्छा किसका क्या माहौल लगता है? बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी? हाँ जी। बरोदा में? हाँ जी बरोदा में। तो आज सीना बनेगी? आज बनेगी। ये बनेगी? कुकर बनेगी? कुकर लग गया? आसार लग रही है मेरे को। आसार लग रही है भाई मेरे को। के आसार लग गए जी? जी बरोदा में कमल खिलेगा? काम कर रही है ये, देखो ये हमारा गाल बनी ही नहीं थी क्योंकि भी किस चेत भी कोई सी सरकार ने भी। अच्छा। ये हमारी गाल बना दी था, हम तो बीजेपी ने बनाओगे। बीजेपी ने बनाओ? हाँ जी। बीजेपी तक क्या लगा किसने टिकट मिलनी चाहिए? ये आजाद ना सही करे है, यू आजाद जाक्षी वाले ने जानो आप है। हाँ अडा आवे जी शोभा आवे। अच्छा। फिर बुलाओ फिर आवे। हाँ भाई साहब आप बताओ क्या नाम है? जी मेरा नाम अजय है जी। अजय? हाँ जी। अच्छा बताओ क्या माहौल इस बार? माहौल बढ़िया जी, बीजेपी सरकार बनेगी, बदलाव होगा बढ़िया वाला। बरोदा में क्या रहेगा? बरोदा में बता रहे हो जी? अच्छा। बीजेपी की सीट आनी है या पक्की? ठीक है। हाँ बरोदे की जी। ये तो कांग्रेस की तो बिकलोई के बाद को सबसे बड़ी बढ़िया सीट है तो बरोदे की है। वो अभी फिर भी कलोई के बाद दला दिए वही ना मारते ही कदे तो वो जो नहीं दे जी। ठीक है मारी वही बात है यारे तो विधायक मारा रहा नौकरी कलोई हल्के के लग गए हैं सारियन की सारियन। ठीक है ना जी मारे नहीं लाए हमेशा मतलब इन सेकंड उस पर ऑप्शन पर रखे हैं। ठीक है कोई मतलब एक आधा लुवा दिया वो भी उनके कार्यकर्ता के लागे किसी और के लागे नहीं, वो भी पीछे दे के लागे हैं। और बीजेपी तो, ने कौन से नंबर पर रखे फिर? बीजेपी ने सारा एक सौदा कर रखा जी, बिना पर्ची बिना खर्चीला रखे हैं, किसी का कोई रुपया लेना नहीं कुछ और नहीं, जो मेरिट बेस पर बालक लागण का है वो लागण लागे। हाँ जी बहुत लागे हैं काम में, बहुत बिना पर्ची बिना खर्चे लागे हैं जी। क्या लगता है कौन कमल खिला सकता है जी? हम तो फैन है बाकी उनके, आजाद जी हैं जो सरपंच हैं जक्सी के, उन वही खिला सके हैं। यहाँ बढ़िया पोजीशन में क्यों गांव माओ हैं वहाँ। अच्छा। जितने भी गांव हो गए याडे गए लामने तो रह गए, अरे एक माओ हैं अमरगत माओ हैं ब्याह शादियाँ माओ सारिया नाव हैं तो मुँह लग दे आदमी हमारे तो। हाँ तो क्या नाम है? बल्लू है जी। बल्लू। अच्छा बताओ क्या चाहते हो इस बार आप? भाई बीजेपी चाहो। बीजेपी चाहो? क्यों बीजेपी को इतना क्यों पसंद कर रहे हो? भाई बढ़िया है बिना खर्चे बिना पर्चे, दो मारा चमारा छोरे थानेदार लाग गए उन्हें कहते जिंदगी में बिना सोचा होगा वहाँ लाग जाएंगे। अच्छा और है बता आड़ा आड़ा तो वो कित का था एम एल ए पछे के नाम उसका कृष्ण उड्डा पीछे देवर लागो या राज था। अच्छा अरे मौजूरी ओ मौजूरी
बिना पीछे मारा, एक छोरा नौकरी लागे 10 लाख में बिना लागे कांग्रेस के सरकार में 10 लाख में बिना लागे। विरोधी हल्के में क्या चाहते हो, किसकी सरकार बनाना चाहते हो? सरकार तो बीजेपी की चाहिए। बीजेपी की? हाँ। क्यों बीजेपी क्यों चाह रहे हो? आड़े बतेरे साल बन ली, 70 साल कांग्रेस पानी रटो पानी दे रही बात दे रही नहीं, आड़े पर कांग्रेस ने आड़े ने अग्रवाद इतने बना दिए, समझ में नहीं बात है। बीजेपी क्या कर रही है फिर आप खतरे? मारे लिए तो इतना करिए बीजेपी, आज तो मेरा तो किशन माची हिंदी बीजेपी ने बीड़ी मच्छर रोज दे रही मेरे को। रोज दे रही है? हाँ। वो क्यों करे? रोज दे रही 20 रुपये बीड़ी मच्छर खतर मच्छर चटनी बना चल नून लिया चाहे बीड़ी पी चाहे बीड़ी पी बतू किसान है किसान तक इतनी नाराज है बीजेपी रहे रहेंगे मैं नहीं नाराज। अच्छा आप किसान हो? हाँ। फिर आप क्यों नहीं नाराज है? किसान जी मैं जितन तक धरती पर सोची संभली ना 10 साल की उम्र तक कसी ठाई दी, आज तक जमींदारा करता चल रहा हूँ, कोई सा भी धंधा पसंद नहीं कर मरने। हाँ तो बीजेपी ने बढ़ाओगे? हाँ।